राम राम बोलेंगे और पाकिस्तान को फैलेंगे। कि भाई राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को फैलेंगे। हाँ, तीसरा दिन हो गया मैच आ रहे इन पाकिस्तानियों को, लेकिन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक ही इंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें। राम राम बोलेंगे और पाकिस्तान को पहलेंगे, ये नारा लगा था चेन्नई के अंदर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैच खेल रही थी और हिंदुस्तानी दिल से सपोर्ट कर रहे थे अफगानियों को। पाकिस्तानियों को तो भी इस सेंटेंस से मिर्ची लगेगी ना। और ये पाकिस्तानी तो वैसे ही राम जी से जले भुने रहते हैं। फिजा क्लिप है कि आज मैं आपको पुरानी क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें इसको हमारे दुबे जी बोल रहे हैं कि जय श्री राम, क्या बोलना चाहोगे मुझे? तो बंदी का एटीट्यूड देखो आप इस जिहादन का। फिजा जी, आज कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा, जय श्री राम बोलकर और राधे श्याम बोलकर। और चाहूंगा कि आप भी अगर अभिवादन करना चाहती हैं तो कृपया आप भी जय श्री राम बोलकर अभिवादन करें। क्या आप बोल सकती हैं? क्या आप अभिवादन कर सकती हैं? फिजा जी, मेरा सवाल यही है, क्या आप जय श्री राम बोलकर आप हिंदी में कुछ कह रहे हैं? मैं ज्यादा हिंदी नहीं समझती। इग्नोर तो ऐसे कर रही जैसे इसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। कोई ये साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ हिब्रो बोल रहे हैं, कुछ अरबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं शुद्ध। इसको सब सुनाई दे रहा लेकिन ड्रामा ऐसे कर रही है जैसे इसके कुछ नहीं सुना हो। थोड़ी बहुत हिंदी के अल्फाज समझ आते हैं, पूरी हिंदी नहीं आती। तो आपने और मुझे रिफत ने समझाया कि ये मुझसे मुतालिबा करे कि मैं जय श्री राम बोलूं। मुझे तो बात अभी तक हजम नहीं हो रही। मैंने तो इनसे मुतालिबा नहीं किया कि चलो वजू करो, मेरे साथ नमाज पढ़ लो। मैंने भी पढ़नी है नमाज ईशा की, तो मैं तो उनको नहीं कहूंगी कि आप वजू करें, मेरे साथ ईशा की नमाज पढ़ लें। उनका अपना धर्म है, मेरा अपना रिलीजन है। मुझे तो समझ ही नहीं कि सहाफियों के डिस्कशन में कि हम जो बात कर रहे हैं ममालिक के बारे में बात करें, अंदर जय श्री राम का नारा मैं क्यों लगाऊं? मुझे बात ही समझ नहीं आ रही। मतलब क्या मकसद है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपसे कि आप जय श्री राम बोलिए। मैं नहीं समझ पाई। लेकिन ये जाहिल के बच्चे नई नई करके भी 8 बार जय श्री राम बोल चुके हैं। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। जबरदस्ती घर वापसी करवा रहे हैं। जय श्री राम। नाजिया जी ने भी पाकिस्तानी को खरी खोटी सुनाई है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मजा आ जाएगा। वाह भाई वाह। क्या कहेंगे ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैच के बारे में? धूमे मची हुई है कि अफगान और इंडिया भाई 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 भाई, चचेरे भाई, क्या ये सीन जी बन गया है? हमारा हर मैच कॉन्ट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है कि भाई पाकिस्तान का तो धोबी पछाड़ हो चुका है। और इतना बुरा प्रदर्शन, मतलब इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। और आप सोचो कि अफगानिस्तान ने जिस हिसाब से हराया है, मतलब कुत्ते की हार हराई है पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने। अल्लाह तौबा। अब आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं, ये गलत बात है। हाँ। मतलब एक होती है हार और एक होती है कुत्तों की तरह हारना। तो पाकिस्तान कुत्तों की तरह हारा है। ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के कुछ तो बॉलर होंगे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की ये आवाज आई है कि पाकिस्तान ने कहा, हमेशा ये बात कही है कि हमारे तो गली गली में इरफान पठान रहते हैं। अफगानिस्तान से हारे तो हारे, लेकिन इरफान पठान को डांस करने की क्या जरूरत थी? इसमें भी इनको मिर्ची लग गई। इरफान पठान ने जो हरकत की, वो अफगानियों के साथ मिलकर जो सेलिब्रेशन चल रही है, देखिए वो कुछ भी कर ले, 1 2 3 कर ले। मेरी बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी बोलो, आजकल पाकिस्तानी को देख के मजे बहुत आ रहे हैं। आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप हर चीज को मौजू बहस बना लेते हैं ट्विटर पर, फिर अपनी बेइज्जतियां भी वहां पर करवा रहे होते हैं, हजीमत का सामना भी करना पड़ा होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी टीम इतना अच्छा प्ले करी, आप उस पे फोकस करें, आप उसकी सेलिब्रेशन में ना। भाई वो हिंदुस्तानी है, वो नाचे गाए कूदे, तुम्हारे को क्यों मिर्ची लग रही है? भाई हम हिंदुस्तानी तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये हमारे अंदर की फीलिंग है। पाकिस्तानियों तुम जलते हो तो जलो। तो भाई हमें, मुझे भी लगा कि एटलीस्ट अफगानिस्तान के साथ तो खेल ही लेगा, हारेगा भी तो एक इंसान की तरह इंसान नुमा हरकत से हारेगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि कुत्ते नुमा हरकत से हारेगा, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जिस हिसाब से भारत के नागरिक ने स्टेडियम में अफगानियों को सपोर्ट किया है, ये बात तो तय हो गई है कि भारत के नागरिक को मुसलमानों से प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम। बिल्कुल पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली और अफगानिस्तान के जो अंदर की जो दुश्मनी थी वो भी बाहर आ गई जी कल के मैच के बाद।
कल तो जो स्टेडियम पे स्लोगन लगा है जो अफगान के फॉलोअर्स थे कि भाई राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे, मतलब ये स्लोगन क्या? Oh my God! अल्लाह तौबा! हाँ हाँ, ये बात है भाई, एक बार परफॉर्म कर पाए, लाभ पिला करके धोबी पचार कर डाला है अफगानियों ने। तुम सोचो कौन हारता है यार, आठ विकेट से कौन हारता है? अब इनका, अब मुझे क्या लग रहा है ना कि एक्यूज में तीन चार बातें आएंगी। एक बात आएगी कि पाकिस्तान ने ब्लू जर्सी अफगानिस्तान की देखी तो उनको लगा कि सामने भारत के खिलाड़ी है इसलिए अंडर प्रेशर वो हार। दूसरी बात आएगी कि एक्चुअली में अफगानिस्तान के फॉलोअर जो है और भारत के फॉलोअर वो अफगान को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हम हार गए। तीसरी बात आएगी कि भाई हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बीफ नहीं मिल रहा है इसलिए हम हार गए। चौथी बात आएगी कि हमको निकाह मुत्ता के लिए 9 साल की बच्ची नहीं मिल रही है क्योंकि हम यहाँ पर 1 महीने से रह रहे हैं इसलिए हम हार गए। अल्लाह तौबा भैया, एक्सक्यूजेस, पागल हो क्या तुम? यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आए हो, दिल्ली में खेलने आए हो, ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया मुझे स्टील का कड़ाहा मिल गया इसलिए मैंने बिरयानी अच्छी नहीं बनाई। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तुमको नाचना नहीं आ रहा है तो तुम कह रहे हो कि आंगन टेढ़ा है, स्टेडियम खराब है, तो बॉल अच्छे से नहीं जा रही है, तो फलाना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो धमाका अच्छे से नहीं हो रहा, पागल हो तुम क्या? और मुझे ऐसा लगता है शैला कि अब आपके सरकार को, आपके गवर्नमेंट को लोगों को वापस बुला लेना चाहिए। वाह भाई वाह। और देखिए मैं आपको, हिंदुस्तान भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है अफगान को या ऑस्ट्रेलिया को या पाकिस्तान की किसी से भी अगर वर्सेस मैच हो रही है, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि 5 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन ने इन लोगों को सैलरी नहीं दिया है, आपके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दी गई है। उसके बाद फिर जैसे ही क्रिकेट एसोसिएशन, पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन आता है वो सीधा कह देता है कि हम दुश्मनों से खेलने जा रहे हैं। अब कहाँ मैच कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? भारत कर रहा है। और आप भारत को टारगेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भावुक होंगे, इमोशनल होंगे, और भारत के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत मानवता पर बिलीव करते हैं। आपको इतना भव्य और भगवा स्वागत दिया गया और आपने क्या कह दिया, चेयरमैन होकर के आपने कह दिया कि हम दुश्मन से खेलने जा रहे हैं। तीसरी बात कि गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय और रोटी के साथ गाय खाने वाले में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और पाकिस्तान के क्रिकेट वालों ने जो ये बात कह दी थी बीफ की, ये भी इमोशनली हर्ट किया है भारत के नागरिक को, बहुत हर्ट किया है। और ये बात तय हो गई कल स्टेडियम में, ग्राउंड में ये बात तय हो गई कि हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने वाले मुसलमानों से प्रॉब्लम। वाह भाई वाह। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर होना चाहिए, जय श्री राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे। चाहे आपको ये पाकिस्तानी ट्विटर पे दिखे, फेसबुक पे दिखे, यूट्यूब पे दिखे, जमाने में कहीं भी ये पाकिस्तानी दिखे, ये कमेंट उनको चेपना ही चेपना है। राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे, राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे, राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे। जय श्री राम बोलिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।